What is your definition of evil? And do you believe that a soul can be evil, or is it just the actions? यानी क्या है कि बुरे आदमी बोलते हैं, दूसरे राक्षसी आदमी बोलते हैं, दैवी आदमी बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं, मानवता, ये चार प्रकार के लेवल हैं। तो दूसरे को सुख देता है सारी जिंदगी, वो दैवी ह्यूमन बोला जाएगा, दैवी है ना, देवगति जैसा। जो दूसरे को दुख नहीं देता है और नुकसान भी नहीं करता है तो मनुष्य, मानवता बोला जाएगा। जो दूसरे का नुकसान करता है, चीटिंग करता है, अप्रामाणिकता, विश्वासघात या विचार, तो लोग बोलेंगे ये बुरा आदमी है। और उससे भी आगे अनर्थ हिंसा करेगा, कोई लेना देना नहीं, मर तालाब में पॉइजन डाल दिया, कितने जानवर मर जाएंगे, गांव वाले कितने आदमी मर जाएंगे, खुश होएगा, देखो ख़त्म कर दिया, तो उसको लोग बोलेंगे राक्षसी स्वभाव है, उसको नर्क गति में जाना पड़ेगा। वो दूसरे को दुख देता है, नुकसान करता है, वो जानवर गति में जाएगा। मानवता रखता है, मानव धर्म पालन करता है, वापस मनुष्य में आएगा। और सारी जिंदगी दूसरे के सुख के लिए जीवन जीता है, वो देवगति में जाएगा। ये मनुष्य में ही कैसी बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, कैसे उसके पास अज्ञान कैसा है, किस प्रकार का ज्ञान है, वो हिसाब से वो बोला जाता है ये जानवर जैसा है, पाशवता करता है, राक्षसी स्वभाव है, मानव जैसा है, मानव धर्म पालन करता है, ये दैवी स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव ही उसकी प्रकृति का फोटो बताती है। मगर ये फिर एक्शंस हो गए। हाँ, एक्शन तो उसका अंदर क्या है उसके आधार से एक्शन है ना।